इमेजिन एक ऐसी बच्ची जिसको लिखने में, इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम है। उस लड़की ने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एक ग्रुप अपना क्लियर कर दिया। वन ऑफ दोस सेलेक्शन है आईपीसीसी में, जिसका आई एम वेरी प्राउड। गर्ल यूज टू लिव इन पाल बीचला। कितना दूर है पाल बीचला? इन शॉर्ट बहुत दूर है। बैकग्राउंड में बताता हूँ बैकग्राउंड क्या है उसका। शी बिलोंग टू लुहार वाला फैमिली। दे यूज टू लिव इन अ एक्चुअली यूज टू लिव इन अ रूम जहाँ वो मम्मी पापा, उसके दो तीन भाई बहन वगैरह सब उस एक ही रूम में रह रहे हैं। ठीक है, वो जब एडमिशन लेना आई थी, शी बिलोंग टू नेचुरल हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बच्ची, आईपीसीसी में एडमिशन लेनी थी, सीए फाउंडेशन की बात नहीं कर। वन ऑफ दोस एडमिशन है जहाँ मैं जनरली मना कर देता हूँ कि आप नहीं पढ़ाओ, क्योंकि सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। ऐसा एट अ टाइम मैं मना कर देता हूँ कि नहीं, जबरदस्ती के अंदर आप परेशान नहीं हो और आप कुछ और सोचो। बट लुकिंग इन टू हर कंडीशन या उनका फैमिली कंडीशन, जो बात भी करने आई थी ना मम्मी वगैरह, जो बात भी करने आए थे, तो एक बात का मुझे एहसास उस बात का हुआ कि अगर इसको मैंने मना किया तो शी विल नॉट बी एबल टू स्टडी आगे। मतलब बंद हो जाएगी कहानी, कि अभी वो बड़ी मुश्किल से जिद्दोजहद करके आई होगी पढ़ाई के लिए भी, तो अगर मैंने मना कर दिया कि नहीं इसका मतलब नहीं है, इसमें मत जाओ, तो जो पढ़ाई बाई चांस वो कर सकती है, वो पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी उसकी। वैसे इट्स गुड के उसको तो लिखने की प्रॉब्लम थी, उसको इंग्लिश में पेपर लिखना है, लॉ हुआ ऑडिट हुआ इंग्लिश में लिखना है, उसको इंग्लिश लिखना नहीं आता था बराबर। तुम्हें वो तो आता है, उसको वो बराबर वो भी लिखना नहीं आता था। नाउ क्लास उस समय हुआ करता था सुबह 7 बजे का, 7 o'clock आईपीसीसी का पहला क्लास हुआ करता था, लेक्चर हुआ करता था। वो लड़की साइकिल से आती थी एंड जस्ट इन ऑर्डर कि उसको ऐसा बाकी सबके साथ में एहसास ना हो, तो शी यूज टू बी हेयर एट द सेंटर बाय 6:15 वो सेंटर आ जाते थे। ऐसा मतलब मेजोरिटी केस में मेरे पापा सुबह खोल रहे होते हैं ऑफिस, स्वीट वगैरह खोल रहे होते हैं, लॉक वगैरह खोल रहे होते हैं, वो उनसे पहले माँ चुपचाप आकर खड़ी हो जाती थी। तो 6:15 वो आकर क्लास में बैठ जानी है, अपनी पढ़ाई चालू कर देनी है। 2:30 बजे जब उसकी क्लास खत्म हुई है तो सब चले गए, उसके आधा घंटे बाद उसको यहाँ से जाना है। मतलब ये कंडीशन समझ लो कि उसके पास रजिस्टर के पैसे भी नहीं है, क्योंकि मैं रजिस्टर भी कैसे भरूंगी। बोला हाउ विल आई आस्क माई फादर कि मैं रजिस्टर कैसे लेकर आऊँ। तो उस समय हम रजिस्टर जाते स्टेशन जाते, तो मैंने उसको एक सेट ऑफ रजिस्टर दिया कि आप ये भरते जाओ, जैसे आप भर लोगे आप ऑफिस से दूसरा रजिस्टर ले जाना, क्योंकि साइकिल वाली तो रजिस्टर कितने कैरी करेगी इसके लिए, क्योंकि ऑलरेडी बुक्स का भी जब बोझा बहुत है, तुम्हारा बोझा बहुत है ना, बोझा बढ़ना ही बढ़ना है। यू नो दैट गर्ल अपीयर्ड फॉर बोथ ग्रुप्स एंड शी क्लियर्ड फर्स्ट ग्रुप ऑफ आईपीसी इन द वेरी फर्स्ट राउंड। दैट इज वन ऑफ दोज रिजल्ट व्हिच एक्चुअली मेक मी रियलाइज्ड कि इंसान चाहे तो कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो शायद मैं कहीं ऐसा नहीं हूं जो मना करना चाहिए कि आपको नहीं करना चाहिए। मतलब वर्ड्स की स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत दूर की बात है। उस लड़की ने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एक ग्रुप अपना क्लियर कर दिया।